हेलो हाँ जी, जी, नमस्कार। नमस्कार जी। आदर योग भाई साहब, आप विधायिका हैं बीकानेर पूर्व से। हम जी जानना चाहते हैं कोरोना को लेकर के क्या कुछ काम हुए हैं और क्या कुछ काम होने वाले हैं। जी जी जो दो स्तर से काम होता है, एक तो प्रशासनिक होता है जी और एक उनका तालमेल होता है जो मेडिकल और डॉक्टर्स और फ्रंट लाइन जो आपके वर्कर्स हैं उन लोगों के साथ में। तो मेरे हिसाब से अभी तक तो बीकानेर में काफी साफ सुथरा वातावरण है। जी दूसरी बात यह है कि लॉकडाउन के चलते हुए जो कमजोर और निम्न वर्ग के मजदूर लोग जो हैं, उनकी जी, परेशानियां बहुत बढ़ गई हैं। उनके लिए क्या कार्य योजना है? काफी किट प्रशासन द्वारा बंटाई जाती है, मेरे विधायक कोटे से भी काफी कुछ गया है, तो और दूसरे जनप्रतिनिधि भी कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम का सलूशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो डेली वेजेस के लोग हैं उनको काम पे जाना जरूरी होता है, तो ये उनके लिए बेहद मुश्किल समय है। और इसमें कोई भी तरह की लापरवाही उनके करने से काफी दूसरे लोगों को भी नुकसान हो सकता है। जी तो इसका अभी कोई पैकेज या कोई रिलीफ गवर्नमेंट से तो नहीं है, और उन लोगों को थोड़ा तो धैर्य रखना पड़ेगा। जी 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 अभी आपने अपने विधायक कोटे से 40 वार्डों के लिए 1-1 लाख रुपए घोषित किए हैं। वे किस तरह से काम में आएंगे और उनकी मॉनिटरिंग की क्या व्यवस्था होगी? मॉनिटरिंग जी प्रशासनिक रूप से होगी और प्रशासन बांटेगा, और मैंने है जो इसलिए भी दिया है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की 200-250 किट्स प्रति वार्ड तक पहुंचे, और उसमें जो आइटम्स हैं जो कि सरकार द्वारा अप्रूव्ड हैं वो लिए हैं, ताकि जितनी मैक्सिमम फैमिलीज को हो सके उनको दिया जा सके। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। अब यहाँ पर हमारा अगला सवाल ये है कि आप गृहिणियों में बहुत ही सुविख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं, आप सब आपको बहुत प्रेम करती हैं। वे घरों में लगातार रह रही हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी आप? जो महिला है वो सबसे स्ट्रॉन्ग सेतु है एक घर के अंदर का, और मैं अपने विधायक कोटे से मैंने खूब सारे पार्क बनवाए थे उन लोगों के लिए। मैं जब पार्क बनवाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि भाई महिला और बच्चों को झूले और महिला को वॉकिंग करने का टाइम मिले। तो जो महिला मेरी वोटर है, सिंसियर भी है, बहुत धैर्य रखने वाली है, तो मैं उन लोगों से अभी भी अपील करूंगी कि सेफ्टी मेजर्स की कोई मुकाबला नहीं हो सकता है, और वो घर में रहे, घर के अंदर प्रेरणा बने और घर वालों की भी प्रेरणा बने, क्योंकि वो यदि अंदर रहती हैं और घर वाले भी अंदर रह सकते हैं, स्पेशली जिनके बच्चे होते हैं, जिनके पेरेंट्स ओल्ड एज के अंदर है, तो उनको भी करना पड़ेगा जी कि वो घर के अंदर रहे और ज्यादा से ज्यादा घर के अंदर एक्टिविटीज या कुछ तरह का स्किल डेवलपमेंट या कुछ इस तरह का बच्चों को भी सिखाए, अब खुद भी सीखे और परिवार को सिखाए, तो ये टाइम निकल सकता है, और ये टाइम इसी तरह निकालना है, और कोई तरीका अब इधर है नहीं। और मैं खुद मतलब अपने जो गेट के बाहर नहीं निकली हूँ, जबकि मैं आती हूँ कि म्यूजियम भी जाना है, दूसरे काम भी करना है, ये भी करना है, मैं खुद नहीं निकली हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कितनी लाइफ डिपेंडेंट होती हैं एक महिला के ऊपर, तो उनका दायित्व बढ़ता है। आप हॉस्पिटल नहीं देखना है, अभी घर देखना है, तो आप लोग घर देखें और स्वस्थ रहें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब आखिरी मेरा सवाल है, स्थानीय प्रशासन की जो कार्य प्रणाली है उससे आप जी संतुष्ट हैं? देखिए, अभी अपने जो सर्कमस्टेंसेस है उस हिसाब से संतुष्ट हैं, और देखो रिजल्ट ओरिएंटेशन आया है कि अपने लोग एक अच्छे जोन में बैठे हैं, बाहर वाले जो आप लोग देख रहे हैं किस हिसाब से उनका चल रहा है, स्पेशली आप महाराष्ट्र का कंडीशन देखें और राजस्थान में दूसरे शहरों का कंडीशन देखें, जी तो मैं शुभकामना भी देती हूँ, और बीकानेर के अंदर जीरो पॉजिटिव रहे, और प्रशासन को बोलूंगी यदि देर इज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, और भी इम्प्रूव हो सकती है चीजें, तो आप वो भी ध्यान में रखते हुए अच्छा और इम्प्रूव करें। जी बीकानेर की जनता के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगी? बीकानेर की जनता एक ऐसी जनता है जिसने हर परिस्थिति का मुकाबला किया है, और यहाँ की जो महिला हैं, यहाँ के जो जो गृहिणियां हैं, यहाँ पे जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, यहाँ पे जो स्कूल गोइंग बच्चियां हैं, उन सबको बोलूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वायरस की जानकारी लें कि ये कितना लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, और उस हिसाब से आप
अपनी एक रिजीम बनाइए, अपने 17 दिन का और बढ़ाए, और उसके बाद भी अपने को सावधानी रखनी है, अपने को कोरोना के साथ एक एक लिविंग विद कोरोना टाइम्स है अब। जी जी, तो इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में क्लियर करना है कि वी हैव टू लिव नाउ विद कोरोना। उसका वैक्सीन नहीं है, इसका कोई तोड़ नहीं है, प्रिवेंशन तोड़ है, क्वारंटाइन तोड़ है, आइसोलेशन तोड़ है। तो गृहणियां, बच्चियां, कॉलेज गोइंग गर्ल्स, उन सब को मैं बहुत अपील करती हूँ कि आप लोग प्लीज घर में रहिए। जो घर से बाहर जा रहा है उनसे प्लीज पूछिए आप क्यों जा रहे हैं, और यदि कारण एकदम इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है तो आप घर से बाहर निकलें, और नहीं तो आप नहीं निकलें। जी आदरणीय सिद्धि भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आकाशवाणी को अपना समय दिया। शुक्रिया जी। जी थैंक यू, थैंक यू जी, प्रणाम।